दोस्तों आपका स्वागत है इस एजुकेशनल चैनल पे। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता। साथ ही साथ अभी जो पेपर्स आपके हुए हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और उसका सोल्यूशन सोचें, या फिर अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर देखें। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बोर्ड की, आपके क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, गुजरात बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, सभी बोर्ड्स के मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लास वाइज 10th की अलग है और 12th की अलग है बोर्ड का नाम के साथ में। तो उस प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन पेपर या सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन और उस क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पे हर कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाता है, तो कमेंट करने में आप हिचकिचाए मत। और जैसे ही वीडियो आप देखते हैं तो लाइक का बटन प्रेस करना भी ना भूलें। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि इसका ये क्वेश्चन नंबर एक में ये बताया गया, क्वेश्चन नंबर में टू में ये बताया गया, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। क्योंकि जितना मैं डिस्कस करूँगा उतना ही ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो को पॉज करके देख ले। हाँ, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो आपके क्वेश्चन पेपर और आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी, तो आप सुनना चाहें तो उसको ध्यान से सुन लें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है, जो स्टूडेंट्स जैसे ही बोर्ड क्लास में आते हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता नहीं होता, तो वो इस क्वेश्चन पेपर को देख करके पैटर्न्स का पता कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। प्लस अगर आपने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया तो आप समझिए कि आपने मतलब अपनी एग्जामिनेशन की बहुत बढ़िया तैयारी कर ली। और फिर आप इन क्वेश्चन पेपर को लीजिए, प्रीवियस ईयर के 2-3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए और उनको निर्धारित समय में, जो समय में क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, 3 घंटे का है या 1.25 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, जो भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो जनरली 3 घंटे का ही पेपर होता है, तो 3 घंटे का जो पेपर है उसको 3 घंटे में ही खुद घर पे पहले याद करिए सब कुछ, पहले जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं तो आप मानिए 200% आप एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट प्रिपेयर हैं, ये मेरा दावा है आपके साथ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इन रूल्स को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने मुझे कमेंट के थ्रू बताया भी है। दूसरी बात बता दूँ, जब आप क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे आपको आता हो या फिर नहीं आता हो। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन मार्क्स वहाँ पे क्वेश्चन में 0 मार्क्स ही मिलने हैं। लेकिन अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, सपोज़ करिए कि उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत मैच हो गया या फिर गलती से एग्जामिनर ने उसमें आपको मार्क्स दे दिए, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। प्लस अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पासिंग मार्क्स आते आते रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, बोलते हैं बिल्कुल पासिंग मार्क्स के एंड पे आके अटक जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ग्रेस मार्क की ज़रूरत पड़ती है। जो ग्रेस मार्क कैसे मिलेंगे, जब तक आप कोई क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं करेंगे चाहे वो गलत हो, ग्रेस मार्क देने के लिए एग्जामिनर को कोई ना कोई क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट को ही वो पकड़ता है, उसी में वो आंसर दे सकता है, वो आपको मार्क्स दे सकता है। तो आप चाहे आंसर गलत लिखें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाएं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला है फॉर्मूला बताएं, जो आपको पता है वो चीज़ अगर आपने बता दी, आपने समझा दी उस पेपर में, उस क्वेश्चन में, तो आपको मार्क्स मिलने हैं पक्का, मेरी गारंटी है। क्योंकि
एग्जामिनेशन में लीनियर मार्किंग होती है, बहुत लीनियंट मार्किंग होती है, मतलब आपके मार्क्स को चुराया नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको, जब आप इन क्वेश्चन पेपर को देखते हैं या फिर वीडियो को देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपको दिक्कत ये होती है कि वीडियो साफ नहीं दिखाई देता। बोलते हैं सर जो पेपर है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, उसकी प्रिंट साफ नहीं दिखाई दे रही। तो मैं आपको बता दूं पेपर का प्रिंट बिल्कुल साफ है, HD प्रिंट में है ये। देखिए पेपर जो आप देखते हैं या फिर आप मोबाइल पे जब YouTube चलाते हैं, तो आपके मोबाइल पे जो YouTube चल रहा है वो YouTube कितने पिक्सल का सपोर्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जितना अच्छा मोबाइल होगा उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। अब ये वीडियो क्वालिटी सेट कहाँ से होती है तो मैं बता देता हूँ। आप जैसे भी कोई वीडियो को प्ले करते हैं तो उसको प्ले करते ही देखेंगे आपके सामने वीडियो प्ले हो गया, YouTube का कोई भी वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी वीडियो को प्ले करिए आप, और उसको आपको HD में देखना है यानी बिल्कुल साफ साफ देखना है। तो जैसे ही आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आप राइट कॉर्नर में, वीडियो के चार कोने होते हैं तो राइट कॉर्नर में ऊपर वाला जो कोना है राइट साइड में, वहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे तीन डॉट बने होंगे, तीन बिंदु बने होंगे वाइट कलर के, डॉट डॉट डॉट। उस डॉट 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 पे आप क्लिक करिए, ध्यान से देखिए, किसी वीडियो को प्ले करिएगा आपको दिख जाएगा वो। उस डॉट पे क्लिक करिए, डॉट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलता है, छोटा सा एक विंडो खुलता है जिसको पॉपअप विंडो कहते हैं, यानी कि एक बार पॉप करके आ जाता है आपके सामने, फिर उसके बाद में आपका काम खत्म, वो विंडो हट जाता है, उसी यूट्यूब पे ही खुलेगा आपके। तो आप जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्वालिटी का ऑप्शन, उस पॉपअप विंडो में क्वालिटी का ऑप्शन लिखा रहता है। तो कई लोगों का तो क्वालिटी जो है ऑलरेडी सही सेलेक्ट होता है, कुछ लोगों का क्वालिटी कम सेलेक्ट होता है क्योंकि उनके मोबाइल उस क्वालिटी को सपोर्ट नहीं करते, या फिर उन्होंने पहले से ही सेटिंग कर रखी होती है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब है वो थोड़ी छोटी क्वालिटी में ही दिखाता है, ज़्यादा बड़ी क्वालिटी में नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि आपका वीडियो प्ले नहीं होता है, नेट की स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं आती है तो वीडियो प्ले नहीं होता, इसलिए यूट्यूब वीडियो को लो क्वालिटी में दिखाता है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी को हाई करना है तो उसी क्वालिटी पे क्लिक करिए, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, जैसा आपका मोबाइल वैसे वैसे ये पी बढ़ते जाएंगे, 1080p भी आएगा अगर आपका मोबाइल फुल HD सपोर्टेड है। तो उसमें से आप जितने ज़्यादा वाले पी को सेलेक्ट करेंगे, एक बार केवल क्लिक करना है, क्लिक करके बस ओके कर देना है, क्लिक करने के बाद आप छोड़ दें, आप बाहर आ जाएं, तो आप देखेंगे आपका वीडियो विद इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड बाद में साफ हो जाएगा अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो वीडियो रुकेगा, फिर उसके बाद साफ होगा, मतलब टाइम लगता है, ये नहीं कि आपने केवल उंगली टच कर दिया और सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है। तो वही 2-4 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। स्पीड अगर आपके नेट की अच्छी है तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, तो यही ऑप्शन जो होता है इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वीडियो की वो बहुत अच्छी प्ले होती है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी आपके बोर्ड का पेपर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें नोटिफिकेशन के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल से अपने आप को हेल्पफुल बना सकें, और लाइक का बटन आपने अभी तक दबाया नहीं है, आप भूल गए थे तो उसको दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल कहीं भी किसी